महात्मा फुले राहुरी कृषि विद्यालय ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। राहुरी कृषि विश्वविद्यालय का आज 35वां दीक्षांत समारोह था। राकपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता शरद पवार को भी आज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटिल और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा कृषि में किए गए उनके शोध और किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित किया गया। साथ ही गडकरी द्वारा अहमदनगर और शिरडी राहुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कृषि मंत्री दादा भूसे, सांसद सुजय विखे पाटिल, सदाशिव लोखंडे आदि उपस्थित थे। कि नितिन जी भी ऐसी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, पता नहीं ये लिटरेचर की बातें शायद उतना नहीं कम पढ़ते होंगे, नहीं तो इनका ध्यान मेरी तरह इधर उधर चला जाता है। लेकिन वो जो व्यवहारिक जगत में कोई भी फील्ड हो, ऐसे लोग मिलते कम हैं। और गडकरी साहब तो ऐसे हैं जैसे सूरज दिन में नया उदय होता है, इनके मन में हर पेड़ हर क्षण नया विचार आता है, नया समथिंग न्यू, और उसको करने के लिए यानी लगता है कि प्रधानमंत्री और इनमें कोई होड़ तो नहीं चलती, नई 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 चीज लाने के लिए ऐसी ऐसी चीज लाते हैं, तो एक्चुअली इट्स क्वाइट इंस्पिरेटिव। BCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।